नसों में अगर खून है तो दिखाना तो पड़ेगा ही, और सीने में अगर जीने की जज्बा है दिखाना तो पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विश्वजीत दास आपके सामने एक बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज को लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि जिंदगी में अगर आप सफलता चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, तो आपको एक रास्ते से होकर के गुजरना पड़ेगा, और वो रास्ता आसान नहीं होने का। कामयाबी आपके पास चल करके नहीं आएगी, आपको कामयाबी के पास चल करके जाना पड़ेगा, और जिस रास्ते से आप जाओगे वो रास्ता संघर्ष का, स्ट्रगल का। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक संघर्ष भरे एक कहानी से रूबरू कराना चाहता हूँ। जी हाँ, आप लोगों ने ये कहानी सुना भी होगा और देखा भी होगा। स्टार्ट करते अपनी कहानी को। आपने हॉक के बारे में सुना होगा, बाज, सबसे खतरनाक पंछी के नाम से जानते हैं उसे, लेकिन उसकी जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। सबसे पहली बात, बाज का जो एज होता है, पूरी जो लाइफ टाइम उसका होता है जो एज, वो 70 ईयर, 70 साल बाद जी सकता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी हाफ लाइफ पीरियड को एंड करता है, पहुंचता है, उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भर जाती है। तो सबसे पहले बाज की सर्वाइवल की बात कर ले। बाज जब सर्वाइव करता है तो वो दूसरे जानवरों को खा करके सर्वाइव करता है, और उसको खाने के लिए उसके पास पंजे होते हैं, उसकी चोंच नुकीली होती है, जिससे वो अपना शिकार पकड़ता है, कैच करता है। सोचने वाली बात है कि जैसे ही बाज अपने लाइफ के हाफ लाइफ पीरियड में पहुंचता है, 35 साल की उम्र में पहुंचता है, तो बाज के साथ एक बहुत ही दर्दनाक चीज होती है। उसके पंजों के जो नाखून होते हैं, नेल्स होते हैं, वो इतने बड़े हो जाते हैं कि वो मुड़ जाते हैं। उसकी जो चोंच होती है वो इतनी लंबी हो जाती है कि वो चोंच भी मुड़ जाती है। अब बाज न जानवरों को पकड़ पाएगा, न उसे खा पाएगा। तो बाज के पास केवल दो रास्ते हैं। पहला रास्ता कि बाज अपनी जिंदगी को त्याग दे, अपने संघर्षों से हार मान जाए और मौत को गले लगाए। दूसरा रास्ता भी है, यह रास्ता काफी दर्दनाक होता है। जी हाँ, 5 महीने तक बाज उस दर्दनाक प्रोसेस से होकर के गुजरता है। अब वो प्रोसेस क्या है, ध्यान से सुनो। बाज चट्टानों पे, पहाड़ों पे जाता है, वहां पर वो अपने नाखूनों को, अपने चोंच को चट्टानों पे मार मार के तोड़ देता है। अब जरा सा सोचो, जीवन में जिंदगी को जीने के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अपने जीभ काटने हैं, आपको अपने हाथ को काट करके उसी का मांस खाना है, तो शायद आप ना करें। बाज अपने चोंच को तोड़ता है, चट्टानों पे मार मार के अपने नाखूनों को तोड़ता है, उनके जो विंग्स होते हैं उस विंग्स को नोच देता है, और उसके बाद 5 महीने के बाद बाज का एक नया जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है। और इस पुनर्जन्म के बाद बाज उसी पोटेंशियल के साथ, उसी स्ट्रेंथ के साथ आसमान की ऊंचाइयों पे छूता है और अपना जीवन का 70 साल कंप्लीट करता है। जिंदगी आसान नहीं है, जिंदगी को जीने के लिए जज्बे की जरूरत है, और वो जज्बा आप में है, हम में है, हम सब में है। प्रॉब्लम एक जगह आती है बच्चों, फ्रेंड्स, प्रॉब्लम एक जगह आती है कि हम अपने समस्याओं से भागते हैं, हम अपने समस्याओं से मुंह छुपा करके भागते हैं। और अगर हम अपने समस्याओं से मुंह छुपा करके भागने की कोशिश करेंगे तो जिंदगी में हार और मौत के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगता। मुझे उम्मीद है कि बाज की कहानी को अपने जहन में रख करके आप अपनी जिंदगी को जीने की जो मनसा है, जो कामयाबी को छूने का जो इरादा है, उसको और बुलंद कर पाओ। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप एक स्ट्रगल है, जीवन एक यूथ है, जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। अपने बच्चों को दिखाएं, अपने पेरेंट्स को दिखाएं, पेरेंट्स अपने बच्चों को दिखाएं, यूथ अपने घर वालों को दिखाएं कि जिंदगी जीना इतनी आसान बात नहीं है।
जिंदगी को जीने के लिए परिश्रम करना पड़ता है और ये परिश्रम का जो मार्ग होता है वो आसान नहीं होता, कठिन होता है। हार मत मानना, आगे बढ़ते रहना है, जिंदगी को आसान करना है और आपको कभी भी किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। झुकना है तो ऊपर वाले के सामने झुको, किसी और के सामने झुकने से क्या फायदा। मेरे दोस्तों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल कॉमर्स ग्रुप क्लासेस और साइंस ग्रुप क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक्चुअली में ये चैनल क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक सारे कोर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कॉमर्स के कंप्लीट एजुकेशनल फैकल्टीज आपको प्रोवाइड की जा रही है बिल्कुल फ्री में। आपको केवल और केवल चैनल पे जाना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने बच्चों को स्टडी में कोई भी बाधा नहीं आ सकता। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लोगे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।